सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 10 फुट या 12 फुट या 20 फुट नीचे गड्ढे में मशीन को कैसे उतारा जाता है। जो अभी आप सामने देख रहे हैं, मैं अभी 12 फुट नीचे गड्ढे में काम कर रहा हूँ। आखिर नीचे गया कैसे हूँ, यही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, देखते रहिए इस वीडियो को, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैस, स्वागत है एक और नए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss any updates from 100K Dream. तो दोस्तों, अभी आप सामने देख सकते हैं मैंने एक रैम बनाया हुआ है मशीन को उतारने के लिए। अगर आप भी कहीं मशीन को उतार रहे हो 10 फुट या 20 फुट नीचे गड्ढे में, तो आप भी एक रैम ऐसा रैम बना लिया कीजिए ताकि मशीन को चढ़ाने में और उतारने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और मशीन को कहीं भी आप उतार रहे हैं तो बिल्कुल सीधा उतारना चाहिए, एक चक्का ऊपर और एक चक्का नीचे नहीं उतारना चाहिए। अभी आप सामने देख सकते हैं मैं किस प्रकार से नीचे मशीन को उतार रहा हूँ। बिल्कुल ही सीधा लोडर को नीचे रख के उतारा जाता है मशीन को। और कभी भी मशीन अगर आप कहीं उतार रहे हैं तो गियर लगा के उतारिएगा, क्योंकि गियर लगाने से फ़ायदा यही होता है कि मशीन का जो स्पीड होता है वो लिमिट होता है, और न्यूट्रल होता है गाड़ी, तो गाड़ी का कोई स्पीड का कोई लिमिट नहीं होता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों, आपको मशीन कहीं भी उतारना है तो उतारिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ज़रूर कि जिस रैम से मैंने नीचे उतारा है वहाँ से ऊपर गाड़ी कैसे चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं।